Good morning, everyone. My name is Kush Pandey, and you're watching the monthly 200 plus current affairs MCQ. आप सबका दोस्तों तहे दिल से इस सेशन के अंदर स्वागत है. तो चलिए शुरू करते हैं. एक बार ज़रा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ आप रेडी हैं और आप तैयार हैं इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के अंदर. सो फटाफट कमेंट कीजिएगा. यस सर, वी आर रेडी एंड वी आर तैयार विद आर डेली करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू गाइस. तो चलिए शुरू करते हैं एंड आज बात करते हैं हम 200 प्लस करंट अफेयर्स एमसीक्यू की. आई विल अगेन रिपीट टू एवरीवन, दोज पीपल हु वर रेगुलर इन द मंथ ऑफ जून, स्पेशली इन माई 8 AM सेशन, उनको आज सेशन विल बी लाइक अ वॉक इन द पार्क. जो लोग मेरे 8 AM 4 PM दोनों देखते थे उनके लिए सेशन तो बहुत ही आसान होगा. पर अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मंथली MCQ का, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ बी रेगुलर इन माई 8 AM करंट अफेयर सेशन एंड 4 PM करंट अफेयर सेशन, जो कि आपका मंडे टू सैटरडे आपका आता है 8 AM और मंडे टू फ्राइडे आपका आता है 4 PM. ऑलराइट, सो गाइज मैं आपसे बार बार कहूँगा, तब तक कहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना निकल जाए. सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं एंड अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन गाइस. आप सबको गुरु पूर्णिमा की आप सबको शुभकामनाएं. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. June 1 इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड मिल्क डे विद द एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट मिल्क एंड इट्स इम्पोर्टेंस एज अ ग्लोबल फूड. वॉट इज द थीम ऑफ द डे फॉर द ईयर 2020? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है. सवाल यहाँ पर है कि इस साल विषय क्या था. इसका विषय है आपका द 20th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे. नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन माई लाइफ माई योगा विच इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस एंड विच मिनिस्ट्री. प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है. सवाल है ये ICCR के साथ शुरू किया गया है. क्वेश्चन है कौन से मंत्रालय का सहयोग यहाँ पर मिला है. इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ आयुष मंत्रालय. आयुष मंत्रालय अभी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द वैक्सीन या फिर एंटीडोट लॉन्च्ड बाय पतंजलि, जिसको लेकर उसने एक साफ तौर पे कहा था कि ये आपका वैलिड नहीं है. इट इज़ नॉट अ वैक्सीन और एंटीडोट ऑफ कोरोना, बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है. आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है दोस्तों श्रीपद यसो नायक. इनमें से कौन सा वो मिनिस्ट्री है जिसने पार्टनरशिप की है TCS IN के साथ और फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है थ्रू नेशनल करियर सर्विस. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. जो मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के उनका नाम है संतोष गंगवार जी. जो मिनिस्टर हैं HRD के उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक जी. जो मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस के उनका नाम है थावरचंद गहलोत. जो मिनिस्टर हैं आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के उनका नाम है नितिन गडकरी. एंड द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट गाइस इज श्री महेंद्र नाथ पांडे. इनमें से कौन बना है ओनली क्रिकेटर एंड द ओनली इंडियन जो कि फोर्ब्स के टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020 में दोस्तों उसका नाम आया है. और इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ विराट कोहली. यही एक लौते हैं जिनका नाम यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपका आ चुका है. आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पर. इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है आपका CEO ऑफ द इंडियाज एपेक्स फूड रेगुलेटर FSSAI. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ अरुण सिंघल. मेरा सवाल आपसे बनेगा कि FSSAI ने अभी हाल ही में फूड सेफ्टी डे भी आपको ऑब्जर्व किया है. ये फूड सेफ्टी डे आपको ऑब्जर्व कब होता है. एंड द आंसर इज इट इज़ 7th of June को आपका फूड सेफ्टी डे जो है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं. बिल्कुल सही जवाब है. भारत की एपेक्स फूड रेगुलेटर FSSAI इनमें से किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. एंड द मिनिस्ट्री कंसर्न गाइस इज ऑप्शन सी, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं श्री हर्षवर्धन. उनके अंदर ये आपकी आपका जो डिपार्टमेंट है वो आता है. इनमें से किसे रिकमेंड किया गया है BBB द्वारा एज द MD ऑफ SBI. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ अश्वनी भाटिया जी को अपॉइंट किया गया है एज द MD ऑफ द SBI. आई होप माई वीडियो इज़ फाइन. आई होप मेरा ऑडियो जो है वो भी आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा. आई होप अब दीक्षित इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किसे
इनमें से क्या थीम है या क्या विषय है आपके ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये दिन कब होता है मेरे को फटाफट बताइएगा। व्हेन इज़ द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, कब होता है आपका दिस पर्टिकुलर डे? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ डन ऑन द 1st of June। ब्रिलियंट। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द MD ऑफ द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IIFSCL का 3 साल के लिए? इनमें से किसे किया गया है अपॉइंटमेंट एज द MD? एंड इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन बी, श्री PR जयशंकर। यहाँ पर जो ऐसे राजेश्वरी हैं इनको किया गया है, शी इज़ द CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और IIFSCL के लिए श्री PR जयशंकर को नॉमिनेट किया गया है। कि विच स्कीम को लॉन्च किया गया है यूनियन गवर्नमेंट ने ताकि अफोर्डेबल लोन्स हम दे पाएँ स्ट्रीट वेंडर्स को? एंड द आंसर इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ PM स्वनिधि। मेरे को फटाफट बताइएगा PM स्वनिधि के बारे में। सवाल पहला मेरा आपसे पूछूंगा, कितना अमाउंट है लोन का, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, वॉट इज़ द टेन्योर? एंड थर्ड, हाउ मच परसेंटेज इज़ द इंटरेस्ट, इज़ द इंटरेस्ट सबवेंशन, कितना छूट मिलेगा? 10,000 रुपीज़ का लोन है आपका, 1 ईयर का टेन्योर है और 7% का आपको छूट मिलेगा। विच कंपनी इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ PM स्वनिधि, कौन सा वो कंपनी है जो कि PM स्वनिधि का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है? तो उसका आंसर जो है दैट इज़ SIDBI, SIDBI। इनमें से कौन सा वो एंटिटी या कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि एक डिसइंफेक्शन यूनिट जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ उसको लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इट इज़ DRDO ने इसको हाल ही में दोस्तों आपका लॉन्च किया है। इनमें से कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है या एंटिटी है जिसने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट या फिर RTM को लॉन्च किया है, जिससे जो डिस्कॉम्स हैं, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी पावर रिक्वायरमेंट्स को हम हेल्प कर सकें? एंड द आंसर इज़, इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। गाइस, अभी ये आपकी एक्सचेंज, ये भी आपका न्यूज़ में था बिकॉज इसने अभी हाल ही में इंडियन गैस एक्सचेंज को भी लॉन्च किया है। सो नो, अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज़ ऑल्सो इन द न्यूज़ बिकॉज इसने इंडियन गैस एक्सचेंज को भी लॉन्च किया है। करणवीर सिंह, एब्सोल्युटली ये सेशन आपका SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गाइस, आज हमारा टारगेट है टू क्रॉस 500 व्यूअर्स, तो आप फटाफट वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो ताकि 500 के ऊपर हम इस वीडियो को पहुंचा सकें एवरीवन। एंड जैसे शेयर करो, कमेंट कर देना शेयर्ड, ताकि मैं समझ पाऊं सबने इस वीडियो को शेयर कर दिया है। ऑलराइट, यस, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड that it will provide किसान क्रेडिट कार्ड टू 1.5 करोड़। वॉट, इनमें से कौन से फार्मर्स को दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड? एंड द आंसर इज़, इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ डेयरी फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज़, प्लीज़ टेल मी हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ द एनिमल हस्बैंड्री एंड डेयरी मिनिस्ट्री, कौन मंत्री हैं आपके एनिमल हस्बैंड्री और डेयरी मिनिस्ट्री के? तो उनका नाम दोस्तों जो है वो है श्री गिरिराज सिंह। क्या नाम है उनका? श्री गिरिराज सिंह, जो कि लोकसभा MP हैं फ्रॉम बेगूसराय। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम, जो कि एक जॉइंट प्रोग्राम है नेशनल ई गवर्न डिवीजन का और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री का। सवाल है, किसके साथ मिलकर, किस कंपनी के साथ मिलकर दिस एंटिटी हैज़ बीन स्टार्टेड? और उस कंपनी का दोस्तों नाम जो है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ NASSCOM। मेरा सवाल आपसे दो बनेगा। पहला सवाल बनेगा NASSCOM का फुल फॉर्म, नंबर वन, एंड नंबर टू, NASSCOM के चेयरमैन कौन है? देखिए, फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, एंड द चेयरमैन इज मिस्टर UB प्रवीण राव। क्या नाम है उनका? मिस्टर UB प्रवीण राव। इनमें से कौन से बैंक ने अक्वायर किया है 24.19% स्टेक DTH टेलीविजन सर्विस प्रोवाइडर डिश TV में? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ द येस बैंक। येस बैंक दोस्तों आपका न्यूज़ में है बिकॉज अभी हाल ही में येस बैंक को जो उसका इमरजेंसी क्रेडिट है, जो उसका सपोर्ट है RBI का 50,000 करोड़ का, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 3 more months। ICICI बैंक न्यूज़ में है बिकॉज इसने अभी हाल ही में एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश और एक इंस्टा लोन लॉन्च किया है अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। एक्सिस बैंक आपका न्यूज़ में है बिकॉज इसने लॉन्च किया है सॉफ्ट POS, और HDFC बैंक आपका न्यूज़ में है बिकॉज HDFC बैंक को अवार्ड दिया गया है द बेस्ट डोमेस्टिक बैंक बाय एशिया यूरो मनी मैगजीन, उस वजह से आपका वो न्यूज़ में है। एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सी वो एंटिटी है जिसने एक एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म कर्नाटका के लिए बनाया है, जिसका नाम है कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19। उस कंपनी का नाम बताना है। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी गाइस इज ऑप्शन सी, दैट इज नैसकॉम ने इसको दोस्तों बनाया है। मेरा सवाल आपसे बनेगा, प्लीज़ टेल मी विप्रो के नए MD CEO कौन है? उनसे पहले MD CEO थे अबिदाली निमुचवाला जी। नाउ द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज थियरी डेलापोर्ट। क्या नाम है उनका? थियरी डेलापोर्ट। इन एसोसिएशन विथ विच एंटिटी साई ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला? ये किसको किसके साथ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। उनके साथ इसको दोस्तों हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है। दैट इज़ एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर गाइस। मशहूर स्प्रिंटर बॉबी मरो का देहांत हुआ है, ही हैज़ पास्ड अवे। ये इनमें से किस देश के थे? ही बिलोंग टू विच ऑफ द कंट्रीज? एंड इनका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये USA से आपका बिलोंग करते थे। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ही वॉज द सेकेंड पर्सन टू विन 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स अपार्ट फ्रॉम जेसी ओवंस, एंड बाद में फिर कार्ल लुइस ने और उसेन बोल्ट ने वो कारनामा दिखाया कि 3 ओलंपिक्स में इन्होंने 3 कैटेगरीज में गोल्ड मेडल। सो ही इज सेकेंड पर्सन आफ्टर जेसी ओवंस। यस, आगे बढ़ें। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हम ऑब्जर्व करते हैं? और इसका आंसर है ऑप्शन ई, 3rd of June को हम वर्ल्ड बाइसाइकिल डे दोस्तों जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। इनमें से कौन सी वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि इन्फॉर्म करेगा पीपल को अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर्स इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स? कौन सा वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इसके लिए बनाया है? ये मेरा प्रदेश नहीं है, ये मेरे पड़ोसी प्रदेश है या यूनियन टेरेटरी है, जिसका नाम है आपका दिल्ली। दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सपर्ट कमिटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया की सुव्यवस्था पर विशेषज्ञ समिति जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है, क्वेश्चन है ये कमेटी आपकी किस मिनिस्ट्री के अंडर आपकी बनी है? इसका आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज ऑप्शन ए। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं आपके श्री प्रकाश जावड़ेकर, वो इसके दोस्तों आपके मंत्री हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं आपके श्री हर्षवर्धन जी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, हु इज ऑल्सो द लॉ मिनिस्टर। और सोशल जस्टिस के मिनिस्टर हैं श्री तावरचंद गहलोत। इनमें से क्या नाम दिया गया है टू द फास्ट मूविंग डिप्रेशन इन द अरेबियन सी विच हिट रायगढ़ इन महाराष्ट्र? अरब सागर में जो बहुत ही तेजी से बड़ा एक अवसाद था, उसका नाम क्या है जिसने इवेंचुअली हिट किया रायगढ़ को इन महाराष्ट्र? उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज निसर्ग। अम्फन की बात नहीं करेंगे, बिकॉज अम्फन ने हिट किया है, पहली बात तो अम्फन आपका आया है बे ऑफ बंगाल से, और इसने हिट किया है उड़ीसा को और वेस्ट बंगाल को इंडिया में और बांग्लादेश को आपका इंटरनेशनल वाटर्स में। इनमें से क्या ग्रेड दिया गया है मूडीज द्वारा इंडिया के सॉवरेन रेटिंग को? द ग्रेड गिवन गाइस इज ऑप्शन बी, दैट इज Baa3। Baa3 ग्रेड जो है वो इंडिया को यहाँ पर दिया गया है। और ये सवाल बहुत ही सिंपल है, अगर इसके नीचे जाएंगे आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स विल बी जंग, इसका मतलब है कि कोई भी देश हमें इन्वेस्ट करने से पहले रोकेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। On the proposal of which country the World Health Organization has launched a COVID-19 technology access pool या फिर CTAP, जिसका aim है test बनाना, vaccine treatments करना और other health technologies को accessible करना? और ये काम किया है इन्होंने कोस्टा रिका के साथ मिलकर उन्होंने दोस्तों जो है ये काम किया है। एक यहाँ पर एक और सवाल बनेगा, International Atomic Energy Agency IAEA, मैं ले देता हूँ नाम यहाँ पर, ये IAEA ने हाल ही में इनमें से किस कंट्री पर कई तरह के आपके सैंक्शंस लगाए हैं? तो उसका आंसर है आपका ईरान पर उन्होंने कई तरह के आपके सैंक्शंस लगाए हैं। सिमिलरली गाइस, द परमानेंट कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन जो PCA आपका है, उसने इटली के जो मरीन्स थे उनको बाइज्जत बरी किया है। उनको कहा गया है कि देयर केस शुड बी लिसन्ड, शुड बी हर्ड इन इटली, इंडिया में वो केसेस आपके नहीं चलेंगे। उस वजह से भी आपका इटली न्यूज़ में था। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और 3-time कांग्रेस MP पी नामगिल, इनका देहांत हुआ है, ही हैज़ पास्ड अवे। सवाल है ये किस स्टेट से या किस यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करते हैं? इनका आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ लद्दाख से दोस्तों इनका पैदाइश है।
इनमें से किसने पार्टनरशिप किया है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसके साथ वो रियल टाइम बेसिस पर जो पेमेंट्स हैं ट्रक ड्राइवर्स को उनको प्रमोट करेंगे? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ द DBS बैंक, जो आपका डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है उसके साथ TCIL ने टाइप किया है, जिससे रियल टाइम बेसिस पर पेमेंट किया जाएगा फॉर ट्रक ड्राइवर्स। इनमें से द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, ये जो एक बुक है जिसको मिला है द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 फॉर एशिया रीजन, इस बुक के ऑथर या लेखक कौन है? इस बुक के लेखक या ऑथर हैं आपके कृतिका पांडे। इनको अभी हाल ही में ओवरऑल एशिया रीजन का तो मिला ही था, इनको ओवरऑल जो बेस्ट प्राइज़ है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का वो भी इन्हीं को दिया गया है। हु हैज़ अज्यूम्ड द ऑफिस of the president of the CII for the current year, वर्तमान वर्ष के लिए CII के कौन आपके प्रेजिडेंट हैं? उनका नाम दोस्तों जो है वो है उदय कोटक, ही इज़ द MD CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। TV नरेंद्र साहब की बात करें तो ही इज़ द चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील, और ये अगले साल इन 2021-22 ही विल बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ CII। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, इनमें से किस दिन होता है? यह दिवस आपका मनाया जाता है ऑन ऑप्शन डी, दैट इज़ द 4th of June, हर साल 4 जून को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ BAFTA, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स के नए अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम दोस्तों है आपका कृष्णेंदु मजुमदार जी, जो कि एक सोशलाइट हैं, एक फिल्म पर्सनैलिटी हैं, उनको BAFTA का चेयरमैन बनाया गया है। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन MD ऑफ NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कौन बना है चेयरमैन और MD? इनका आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट इज़ वीरेंद्र नाथ दत्त। इनको ये सम्मान हाल ही में दोस्तों दिया गया है। कौन सी स्पेस एजेंसी ने हाल ही में पार्टनरशिप की है NASA के साथ, जिसके साथ वो एक डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन जो कि सपोर्ट करेगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस को मून, मार्स और बियॉन्ड के लिए? तो इसका आंसर है आपका सांसा, दैट इज साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, उसके साथ ये अग्रीमेंट हाल ही में NASA ने दोस्तों किया है। इनमें से कौन सा वो स्टेट है जो पहला स्टेट है जिसने इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट के तौर पे माना है, और ये स्टेट आपका जो है दैट इज़ केरला। गाइस, केरला वही स्टेट है जहां पर अब प्राइवेट फोकास्टर्स का यूज़ किया जाएगा। कर्नाटका वो पहला स्टेट है जहां पर लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया है, ठीक है। केरला वो स्टेट है जहां पर आशा रोबोट्स को भी हाल ही में लॉन्च किया गया। कौन सा स्टेट है जिसने कि ऑक्यूपाई किया है फर्स्ट रैंक COVID-19 मैनेजमेंट इंडेक्स के अंदर, जिसमें 10 स्टेट्स को एनालाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान ने सबसे बेहतर काम किया है COVID-19 को मैनेज करने में इन द 10 बिगर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है एक MOU जो कि कोऑपरेशन है इन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट, जिससे कि जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है? तो ये जो कोऑपरेशन है एनवायरनमेंट के ऊपर, ये अग्रीमेंट किया गया है विथ ऑफ कोर्स भूटान के साथ ही किया जाएगा, बिकॉज भूटान सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा सीरियस है स्पेशली एशियन रीजन के अंदर। भूटान की बात करें, कैपिटल है भूटान का आपका थिम्पू, करेंसी भूटान की है आपकी नल्ट्रम। दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इंडिया नेपाल के रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं, बिकॉज नेपाल ने सेकेंड अमेंडमेंट पास किया है जिसके तहत पहली बात तो 3 एरियाज लिपुलेक, लिम्पियादुरा और कालापानी, ये 3 एरियाज आपके आते हैं नेपाल के अंदर पहला। दूसरा, नेपाल ने ये कहा है एनी वुमन फ्रॉम आउटसाइड, अगर वो किसी नेपाली व्यक्ति को शादी करती है, शी शुड स्टे फॉर 7 ईयर्स इन नेपाल, उसे 7 साल नेपाल में रहना पड़ेगा तो ही काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। मजाक कर दिया उन्होंने इस बात का। इनमें से कौन इकलौते इंडियन हैं जो कि फोर्ब्स के 100 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ के लिस्ट में आए हैं? और इनका नाम दोस्तों जो है वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ लिस्ट ड्यूरिंग जून 2019 टू मई 2020। विराट कोहली नहीं है इसमें, आंसर यहाँ पर है आपका अक्षय कुमार। कन्फ्यूज मत करिएगा, वो सवाल डिफरेंट था। और इनकी रैंकिंग जो है दैट इज़ 52nd, हाँ बिल्कुल सही, 52nd रैंक पे आपके ये आते हैं। इनमें से कौन इमर्ज किया है एज द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कंपाइल्ड बाय फोर्ब्स फॉर जून 2019 टू मई 2020, उसका उस व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ द सिस्टर ऑफ किम कार्दाशियन, दैट इज़ काइली जेनर। काइली जेनर यहाँ पर नंबर 1 रैंक पे बनी हुई हैं।
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल ऑब्जर्व होता है 5 जून को. द क्वेश्चन इज इसका थीम क्या है. इसका थीम आपका जो है दैट इज ऑप्शन सी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी. एक सवाल यहाँ बनेगा आपसे विच आर द टू कंट्रीज जो कि इसके होस्ट कंट्रीज हैं. तो एक तो आपका है कोलंबिया और सेकेंड कंट्री आपका है दैट इज जर्मनी. रिनाउंड पर्सनालिटी बासु चैटर्जी का देहांत हुआ है, ये क्या थे. दोस्तों ये एक मशहूर आपके स्क्रीन राइटर थे या डायरेक्टर थे और ही हैज़ पास्ड अवे. इनमें से कौन से बैंक ने पहला एक ऐसा फैसिलिटी लॉन्च की है इन विच जो कस्टमर्स हैं वो अपने करंट अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं इनके मोबाइल ऐप के ज़रिए. एंड द आंसर इज़ इट इज़ इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था बिकॉज सुमंत कटपालिया जी, आई अगेन रिपीट, सुमंत कटपालिया जी वॉज अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ द इंडसइंड बैंक. इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है सीनियर एडवाइजर टू द वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. इनका नाम है राजीव टोपनो जी जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के और इनको ही ये अपॉइंटमेंट दी गई है. इनमें से कौन अपॉइंट किए गए हैं एम्बेसडर एंड द परमानेंट एम्बेसडर टू द परमानेंट मिशन ऑफ फॉर इंडिया और साथ ही साथ WTO के अंदर. इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी. इनका नाम है श्री ब्रजेंद्र नवनीत. ये बने हैं द परमानेंट एम्बेसडर टू द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया एट द WTO. इनमें से कौन सा वो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जिसने कि लॉन्च किया है एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जिसका नाम है मेरा वेतन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. इसके अंदर द स्टेट पीपल कैन चेक फॉर देयर सैलरीज, वो अपने सैलरीज को अपने वेतन को चेक कर पाएंगे. इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों इसको चेक किया गया है. इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने होस्ट किया द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020. इस कंट्री का नाम है दोस्तों UK. इस पर्टिकुलर समिट में इंडिया ने कमिट किया है 15 मिलियन $15 फॉर दिस वैक्सीन. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्पेशल कैंपेन जिसका नाम है स्पंदन, जिससे मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन जो कि खास तौर पर पुलिस पर्सनल में होता है, पुलिस अधिकारियों में होता है, पुलिस कर्मियों में होता है, उसके लिए किया जाएगा. और इसका नाम दोस्तों जो है ये स्टेट आपका है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ ये वही स्टेट है दोस्तों जिसने हाल ही में लॉन्च किया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर शुगर फॉर राइस एंड मेज पर एकड़ एंड 13,000 रुपीज़ दिए जाएंगे पर एकड़ फॉर शुगर केन. ठीक है, हाँ. मनरेगा में सेकंड पे है, पहले फर्स्ट पे था मनरेगा में, अब आपका जो फर्स्ट पे है उसका नाम दोस्तों जो है उसका नाम है आपका उत्तर प्रदेश. आगे बढ़ते हैं. मशहूर पर्सनालिटी अनवर सागर का देहांत हुआ है. सवाल मेरा आपसे है ये एक वेटरन क्या थे. दोस्तों ये एक वेटरन आपके सॉन्ग राइटर थे और इनका हाल ही में देहांत हो गया. इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसने एक MOU साइन किया है EESL के साथ, जिससे कि जो डेवलपमेंट है ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स का, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी और साथ साथ आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी तीनों का ही यूज़ किया जाएगा. इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये अग्रीमेंट किया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ. Who has been appointed as the brand ambassador of Adidas to join Indian star batsman Rohit Sharma and sprinter Hima Das. और इनका नाम दोस्तों है आपका मनुषी चिल्लर. She is Miss World India और इनको ये जो एक स्पॉन्सरशिप है Adidas की ये प्रोवाइड की गई है. वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 का किसे दिया गया है. इनका नाम है दोस्तों रतन लाल. ये एक US बेस्ड इंडियन साइंटिस्ट हैं और इनको ही फूड साइंटिस्ट है, इनको ही ये अवार्ड दिया गया है. कौन सी IT कंपनीज ने लॉन्च किया है समर ऑफ आइडियाज़ इनिशिएटिव, जिससे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो हैं उनको वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन लर्निंग करने में हेल्प मिलेगा. इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इट इज़ इन्फोसिस ने दोस्तों लॉन्च किया है. अगर हम यहाँ पर इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस न्यूज़ में है बिकॉज इन्फोसिस ने कहा है कि बाय नेक्स्ट ईयर बाय 2021 जो आपका इन्फोसिस होगा इट विल बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंपनी. ये आपकी एक कार्बन न्यूट्रल कंपनी जो है वो बन जाएगी. RBI ने बार किया है कौन से कोऑपरेटिव बैंक को फॉर ग्रांटिंग फ्रेश लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर 6 मंथ्स ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन. इनमें से कौन सा बैंक है जिसको कहा गया है कि वह आने वाले 6 महीनों के लिए अपने लोन्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते या फिर नए डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. इस बैंक का नाम दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन बी. इसका नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स आपके कानपुर में बेस्ड है.
किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पंचवटी योजना, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है और ख़ास तौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना को दोस्तों आपका लॉन्च किया गया। गाइज, हरियाणा आपका न्यूज़ में है, बिकॉज हरियाणा की एक लेक है जिसको डिक्लेयर किया गया है एज अ वेटलैंड। मेरे को फटाफट बताइए उस लेक का नाम क्या है। उस लेक का नाम है दोस्तों आपका सुखना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश न्यूज़ में है बिकॉज यहाँ पर एक एरिया है शिवालिक। शिवालिक फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश, इस वजह से उत्तर प्रदेश आपका न्यूज़ में है। इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपने एनवायरनमेंट मंत्रालय को उसका नेम चेंज किया है एज एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री? ये चेंज किया गया है 5 जून को और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में इसको ये काम आपका किया गया है। इनमें से कौन सा वो आपका व्यक्ति है या कौन सा वो पर्सनालिटी है जिसे दिया गया है द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड इनका नाम दोस्तों जो है वो है ऑप्शन ई, शोभा शेखर को ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा माइकल क्लार्क जो कि फॉर्मर कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम के, उनको भी सेम अवार्ड आपका प्रेजेंट किया गया है। भारत की रैंक क्या है इन द रिसेंटली कंपाइल्ड नेचर रिसर्च, अ डिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी स्प्रिंगर नेचर। जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कंपनी है स्प्रिंगर नेचर, उसका जो एक रैंकिंग आया है नेचर रिसर्च, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? उसमें इंडिया की रैंक दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ 12th। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व होता है हर साल 12 जून को। क्वेश्चन है इस साल इसका थीम क्या था? इस साल इसका थीम दोस्तों जो है दैट इज़ आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ COVID-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ। ये इसका दोस्तों आपका जो है वो थीम दिया गया। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने कि MOU साइन किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ, जिसके साथ वो रिसर्च करेगा, टेस्टिंग करेगा, वैलिडेशन करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स को थ्रू द ICAR इंस्टीट्यूशंस? और इसका आंसर जो आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन डी, ये IFCO के साथ, ये अग्रीमेंट जो है ये IFCO के साथ आपका हाल ही में दोस्तों जो है वो किया गया है। सो IFCO हो गया, उसके साथ ये अग्रीमेंट आपका किया गया। NI तुक्का मत मारिए, IFCO इज़ द आंसर। लोनार लेक जो कि आपकी एक फेमस है मिक्स्ड हेरिटेज रिजर्व है, इसका जो कलर है वाटर का वो अब आपका पिंक हो गया है ड्यू टू सलिनिटी एंड एज वेल एज एल्गी इन द वाटर बॉडी। द क्वेश्चन इज़ ये लेक आपकी कौन से स्टेट में है? ये लेक आपकी है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के अंदर। और ये लेक के बारे में खासियत है कि इसका कलर चेंज होता रहता है बिकॉज इस वाटर बॉडी के अंदर आपकी एल्गी मौजूद है। इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसके जो टॉप 2 वुमेन्स फुटबॉल डिविजन्स हैं उन्होंने प्रोफेशनल स्टेटस गेन किया है? और स्टेट आपका जो है, ये कंट्री आपका जो है दैट इज़ स्पेन। स्पेन के फुटबॉल लीग का नाम है स्पैनिश ला लीगा और उसने ही ये खिताब, उसको उसके अंदर ही ये आपका हुआ है। फ्रांस के फुटबॉल लीग का नाम है लीग 1 और उसके विनर्स हैं PSG। इटली के स्पोर्टिंग लीग का नाम है आपका इटालियन सीरी आ, एंड यहाँ पर इटालियन कप को जीता है नापोली ने। जर्मनीज फुटबॉल लीग गाइस इज बुंडेसलीगा, विच वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन टू बी स्टार्टेड ड्यूरिंग COVID-19। DSRV कॉम्प्लेक्स, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स, इनमें से कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? स्टेट का, इस सिटी का नाम है आपका विशाखापट्टनम, जो इंडियन नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स भी है। इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है एक एंटी माइक्रोबियल 5-लेयर्ड मास्क जो कि एनहिलिएट करेगा पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को जो कि स्टक हैं आउटर सरफेस पे, और जिससे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हैं उनके स्प्रेड को रोका जाएगा? इसका नाम है आपका ऑप्शन बी, इट इज़ IIT BHU, नॉट दिल्ली बट IIT BHU ने इसको लॉन्च किया है। इनमें से स्किल इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए NFL ने एक अग्रीमेंट किया है, इनमें से किसके साथ? ये अग्रीमेंट किया गया है विद द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ नंगल, ITI के साथ ये अग्रीमेंट नंगल का किया गया है।
इनमें से कौन सी एक एंटिटी है जिसके साथ मिलकर मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल सिस्टम जिसका नाम है कार्डलेस एटीएम पावर्ड बाय मास्टरकार्ड एंड द आंसर इज इट इज़ एमपे सिस्टम। इस अनाउंसमेंट्स के साथ इंडिया आपकी सेकेंड कंट्री है यूएसए के बाद जिसने कि एक कॉन्टैक्टलेस एटीएम विड्रॉल को लॉन्च किया है। यूरोपियन हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर शत्सोफ ने को बैन किया गया है 4 सालों के लिए बाय द CAS। क्वेश्चन है ये कहाँ से, आसान सवाल है, ही इज़ फ्रॉम रशिया। गाइस अगर रशिया की बात करें तो रशिया में एक रेफरेंडम हुआ है जिसके तहत नाउ व्लादिमीर पुतिन कैन स्टे एज प्रेजिडेंट टिल 2036। पियरी कुरुनजीजा का देहांत हुआ है, सवाल है ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये बुरुंडी के दोस्तों प्रेसिडेंट थे एंड ही बिकेम द फर्स्ट हाई प्रोफाइल हेड ऑफ स्टेट ऑफ अ मेजर कंट्री टू पास अवे, तो ये बुरुंडी के आपके प्रेसिडेंट थे। इनमें से किस संस्थान ने, किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, एक डेवलप किया है एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्प्रे जिसका नाम है अनन्या जो कि COVID-19 स्प्रेड को आपका फाइट करेगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, DIAT पुणे ने इसको दोस्तों डेवलप किया है। चंकी पांडे, अरे भैया CMA शर्मा मजाक मत करो यार। गाइस यहाँ तक समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आज हम 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो अगर आपने ब्रेकफास्ट करके नहीं बैठे हो, इफ़ यू आर नॉट रेडी विद योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हाथ में ले लो, कीप ऑन मंचिंग, but we will discuss 200 questions, all right? And in the meantime, I want to reach 500 viewers, फटाफट वीडियो के लिंक को कॉपी करो and please share the link with your friends, all right? फटाफट, मैंने भी नहीं किया है पर मैं इस सेशन के बाद ही करूँगा। इनमें से कौन सा वो इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसने मेंटेन किया है टॉप पोजिशन इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज्ड रिसेंटली एंड दी आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए जिसका आंसर है आपका IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने नंबर वन रैंक यहाँ पर हासिल किया है। इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है US सेनेट ने एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ एंड दी आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ चार्ल्स ब्राउन को उन्होंने अपॉइंट किया है एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ, बिल्कुल सही। इनमें से किसे ऑनर किया गया है नासा का डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल के द्वारा जो कि दिया गया है फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू नासा एंड अवार्ड दिया गया है टू रंजीत कुमार को ये सम्मान आपका दिया गया है। रिनाउंड पर्सनैलिटी अर्जुन चरण सेठी इनका देहांत हुआ है, सवाल है ये एक वेटरन क्या थे, यह एक आपके वरिष्ठ पॉलिटिशियन थे एंड ही हैज़ पास्ड अवे। वर्ल्ड बैंक ने लोन किया, ग्रांट किया है लोन 1950 करोड़ का जिससे कि जो स्टेट टैकल कर रहे हैं कोरोना वायरस सिचुएशन को उनको हेल्प हो सके और ये लोन दिया गया है टू वेस्ट बंगाल। फोनपे ने एक लॉन्च किया है एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक ट्रैवल इंश्योरेंस जिसमें कि COVID-19 प्रोटेक्शन होगा एंड ये अग्रीमेंट किया है, ये एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है विद ICICI लंबार्ड। कौन सा वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जिसको दिया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ही इज़ द 6th ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हु हैज़ बीन अवार्डेड विद दिस सर्विस, इनका नाम दोस्तों है आपका माइकल क्लार्क। कौन सी एनर्जी कंपनी है जिसने जीता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट जो कि मिला है उसको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से जिससे कि जो 8 GW का सोलर प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अडानी ग्रीन एनर्जी को ये एक टेंडर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जिसने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, बेसिकली इट इज़ अ स्मॉलर स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ मध्य प्रदेश। 300 करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शनड फॉर दिस योजना। गैरसाण हैज़ बीन फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से किस राज्य का समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अपॉइंट किया गया है गैरसाण को, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड के तौर का समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया है आपका गैरसाण। उत्तर प्रदेश आपका न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर जो पहला लिकन पार्क है उसको यहीं पर सेटअप आपका किया जा रहा है। सिमिलरली एक नया प्लांट स्पीशीज पाया गया है सिक्किम में और बिल्कुल सही, आगे बढ़े। कौन सा वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है एक वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट एंड द स्टेट गवर्नमेंट गाइस इज ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस इज इट इज ऑप्शन डी जिसका आंसर है मणिपुर ने एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो है उसको लॉन्च किया है।
इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर डायग्नोसिस फ्रेमवर्क फॉर रैपिड एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर्स? कौन सा संस्थान है जिसने ओरल कैंसर से तेजी और सटीक निदान के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर डायग्नोसिस फ्रेमवर्क विकसित किया है? इसका आंसर है आपको ऑप्शन बी, दैट इज द IASST गुवाहाटी, उन्होंने ही इसको डेवलप किया है। इंडिया की रैंक क्या है इन द 12th एडिशन ऑफ द एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको येल यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है? इसमें इंडिया की रैंक दोस्तों जो है दैट इज 168। इसमें आपका नंबर वन रैंक कंट्री कौन सा है? इंडिया तो आपका 168 पे है, नंबर वन पे कौन सा कंट्री है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज डेनमार्क आपका नंबर वन पे बना है। फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको मिला है द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड फॉर 2020 फॉर क्रिटिकल थिंकिंग होल्डिंग रिलीजियस डॉगमा अप टू स्क्रिटनी एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस एंड ह्यूमनिस्ट वैल्यूज? और ये अवार्ड दिया गया है टू द फेमस लिरिसिस्ट जावेद अख्तर। इनमें से कौन चेयर करेंगे टास्क फोर्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और वो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट इशूज पर वर्क करेगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मिस जया जेटली। वर्ल्ड ओशियन डे आपका इनमें से ऑब्जर्व कब होता है? वर्ल्ड ओशियन डे आपका ऑब्जर्व होता है ऑन द 7th ऑफ जून, 7 जून को। इट इज़ द वेरी सेम डे जब आपका फूड सेफ्टी डे भी ऑब्जर्व होता है, उस डे को भी आपको ऐसे ही याद रखना है। इसरो ने हाल ही में अग्रीमेंट किया है इनमें से किसके साथ फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ SSA और एस्ट्रोफिजिक्स? ये अग्रीमेंट किया गया है विद द आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज जो कि आपका नैनीताल के पास है शायद, और इसके साथ ये अग्रीमेंट यहाँ पर किया गया है। अच्छा, करेक्शन कर लीजिएगा, इसका जो आंसर है दोस्तों इसका आंसर है आपका 8th of June। मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है गाइस, इसका आंसर है आपका 8th of June। 7 June को आपका फूड सेफ्टी डे है, 8 June को आपका वर्ल्ड ओशन डे है। मैं अपने तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कान पकड़ के, ये मेरी मिस्टेक है। 8 June को आपका है द वर्ल्ड ओशन डे, 7 June को आपका होता है द वर्ल्ड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी डे, और वर्ल्ड और आपका BRO रेजिंग डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द II ऑफ द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी LNT फॉर 3 years? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट इज AM नायक को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ दिस बॉडी फॉर द कमिंग 3 years। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिंपल है, इसका होस्ट कंट्री आपका जर्मनी और कौन सा देश था? जर्मनी के अलावा इसको कोलंबिया के साथ मिलकर होस्ट किया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम जिस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है आपका स्टार्टअप लिंक ने? इसमें इंडिया की रैंक दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 23rd। इसमें USA आपका नंबर वन पे बना हुआ है। किस स्टेट ने ऑक्यूपाई किया है टॉप पोजीशन इन द फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जिसको रिलीज किया है FSSAI ने अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स? लार्जेस्ट स्टेट्स में आपका नंबर वन पे जो है दैट इज गुजरात, गुजरात यहाँ पे नंबर वन पे बना हुआ है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है AIM के साथ जिससे इंडिया के अंदर जो इनोवेशन है इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट सिटीज उसको किया जाएगा? इसका आंसर है आपका CSIR के साथ ये अग्रीमेंट किया गया है। इनमें से वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है विच हैज़ लॉन्च्ड मेगा संदेशा ऐप जो प्रोवाइड करेगा आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन एज वेल एज फोकास्ट ऑन रेन्स, फ्लडिंग एंड थंडरस्टॉर्म्स? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ई, इट इज़ कर्नाटका के साथ ये अग्रीमेंट आपका दोस्तों किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक राज कौशल पोर्टल और एक ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? एंड द आंसर इज इस पोर्टल को लॉन्च किया है आपके राजस्थान ने। राजस्थान इसके तहत इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द रिटर्निंग माइग्रेंट लेबरर्स। RBI ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट के काइजाद बरूचा का एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। और ये अग्रीमेंट ये उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है इन HDFC बैंक, वहाँ पर काइजाद बरूचा जो है वो आने वाले 3 साल के लिए HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहेंगे। इनमें से कौन AI एनेबल्ड आपका रोबोट है जिसको लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज ने जिससे कि इंटेंसिफाई कर सके हम स्क्रीनिंग और सर्विलेंस आपके रेलवे पैसेंजर्स का और रेलवे स्टाफ का? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए, कैप्टन अर्जुन, इसको लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज ने। माय क्वेश्चन इज इसको लॉन्च किया है सेंट्रल रेलवेज ने, कहाँ पर लॉन्च किया है? नागपुर में और मुंबई CST में, दो जगहों पर इसको लॉन्च किया गया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2020? विश्व
एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे का थीम क्या है? इसका थीम है आपका ऑप्शन सी जो कि है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है वसंत राय जी जिनका देहांत हुआ है। ये क्या थे दोस्तों? ये एक ही वॉज द ओल्डेस्ट लिविंग, ये सबसे ज़्यादा ही वॉज द ओल्डेस्ट लिविंग रणजी क्रिकेटर और इनका अभी हाल ही में दोस्तों देहांत हो गया है। मैट पूर जो कि एक टेस्ट क्रिकेटर थे इनका भी देहांत हुआ है। ये किस देश से थे? इनका आंसर है ऑप्शन ए, ही वॉज फ्रॉम न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से इनका संबंध था। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द सीईओ ऑफ यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी? यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है विच प्रोवाइड्स म्यूचुअल फंड टू कस्टमर्स एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, इम्तियाजुर रहमान, उनको अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ यूटीआई। वर्ल्ड विंड डे कब पड़ता है? इसका आंसर है आपका 15th of June, इस दिन आपका वर्ल्ड विंड डे ऑब्जर्व करते हैं। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटनास खादी मॉल जिसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार चलाती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, गुरु पंकज त्रिपाठी, इनको ये अवार्ड दिया गया है, इनको ये एक एंडोर्समेंट दिया गया है। इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलप किया है एक सैनिटाइजिंग चेम्बर जिसका नाम है आपका जर्मी क्लीन जो कि सैनिटाइज करेगा यूनिफॉर्म्स को और सिक्योरिटी फोर्सेस को? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम यहाँ पर दिया गया है, इसने ही लॉन्च किया है आपका एक जर्मी क्लीन। इनमें से वो कौन सी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है एक बाल श्रमिक या बाल श्रमिक विद्या योजना जिससे जो चाइल्ड लेबरर्स हैं उनको एजुकेट किया जाएगा इन द स्टेट? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना को हाल ही में दोस्तों आपका लॉन्च किया गया। वेटरन पोएट और फ्रीडम फाइटर हैं आनंद मोहन जोशी, ही हैज़ ऑल्सो पास्ट अवे। ये पोएट कौन सी भाषा के थे? ये एक उर्दू कवि थे और इनका हाल ही में देहांत हो गया। इनमें से कौन बनी है फर्स्ट वुमन और फिफ्थ पर्सन ओवरऑल जिन्होंने जो डीपेस्ट नोन स्पॉट है चैलेंजर डीप जो कि आपका मरियाना ट्रेंच में आपका पड़ता है उसको रीच किया है? इनका नाम है दोस्तों केथी सलीवन। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मैन और अ वुमन हु हैज़ ऑल्सो विजिटेड द स्पेस एज वेल एज द चैलेंजर डीप। ये इकलौती ऐसी व्यक्ति हैं, ह्यूमन है इकलौती जिन्होंने स्पेस में भी और आपका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वहाँ पर शी हैज़ बीन। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, इनमें से किस दिन? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ई, इट इज़ द 16th of June को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 5th of June को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, 8th of June को आपका वर्ल्ड ओशन डे है और 15th of June को वर्ल्ड विंड डे है, 16th of June को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज है। इनमें से किस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है यूएन ने जिससे कि जो COVID-19 के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करने से रोकने के लिए? इसका नाम है आपका वेरीफाइड। इनमें से कौन से बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ द ICICI बैंक। इट इज़ फॉर एम्प्लॉयज़ हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स या फिर तुरंत उनको फ्लेक्सिबल सैलरी कैश प्रोवाइड करने की ये एक इनिशिएटिव है। RBI ने डिस्कशन पेपर जिसका नाम है गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इसको प्रपोज किया है जिसके तहत द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अ CEO एंड अ होल टाइम डायरेक्टर को कितना रखा गया है जो कि बिलोंग करता है टू अ प्रमोटर? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज 70 years। अगर वो CEO या अगर वो आपका जो एक ED है एक डायरेक्टर है वो बिलोंग करता है प्रमोटर ग्रुप से तो 70 years है। सिमिलरली अगर बिलोंग नहीं करता है तो मैक्सिमम 15 ईयर्स तक रह सकता है और अगर वो बिलोंग करता है तो मैक्सिमम 10 ईयर्स तक वो रह सकता है एज दी हेड। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड नौरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जिसका जो कि बायोग्राफी है दादा भाई नौरोजी की? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दीनदयाल पटेल, उन्होंने इस बुक को दोस्तों लिखा है। इनमें से किसने अनाउंस किया है, किस कंट्री ने अनाउंस किया है जेट जीरो प्लान जिससे कि जो एविएशन एमिशन है उसको कम किया जाएगा और कार्बन फ्री ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट जो हैं दे विल बी पॉसिबल बाय 2050? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ें। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड? इनमें से दोस्तों किसने चार्ज लिया है एज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ वाइस एडमिरल बिश्वजीत दास गुप्ता जी। इनमें से कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अपनी तरह की पहली कंपनी है जो फुली डिजिटल हो गई है? इसका नाम है आपका द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
जिसके चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू, हु हैज बीन गिवन एन एक्सटेंशन फॉर मोर ईयर्स एज द चेयरमैन ऑफ द NHAI. किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक लेबर कमीशन सेटअप किया है फॉर सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इट इज़ उत्तर प्रदेश. इनमें से भारत की रैंक क्या है इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंकिंग्स? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ 43rd. इस रैंकिंग में नंबर वन कंट्री आपकी जो है दैट इज़ सिंगापुर, और सिंगापुर आपका न्यूज़ में है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया. इंडिया में जो हाईएस्ट सोर्स FDI का है वो आपका सिंगापुर ने ही दोस्तों प्रेजेंट किया है. वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉ 2020 को ऑब्जर्व किया गया 17 जून को. सवाल है इसका थीम दोस्तों क्या है? एंड द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ फूड फीड एंड फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड. ये इसका दोस्तों यहाँ पर थीम जो है वो यहाँ पर दिया गया है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन द बायोडाइवर्सिटी अवार्ड? इनमें से वो कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दोस्तों जीता है, जिसने दोस्तों जीता है द बायोडाइवर्सिटी अवार्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी अवार्ड फॉर द मोनाको फाउंडेशन? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज इज, इसका जो आंसर आपके सामने दोस्तों जो है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज इज, इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ ऑप्शन बी. And that is आपका Deccan Development Society. That is absolutely the correct answer, guys. ये बिल्कुल यहाँ पर आपका सही सही सवाल सही जवाब है. Yes, that is absolutely the correct answer. Yes, आगे बढ़ते हैं. Which state government has launched a Karmo Bhumi, a job portal to help IT professionals who have lost their jobs after the outbreak of COVID-19 and returned to the state? State government का नाम है आपका option D, it is West Bengal. West Bengal ने ही दोस्तों launch किया है the Karmo Bhumi, जो कि एक job portal है जिससे कि जो IT professionals है जिन्होंने job खोली है उनको ये job दे सके. आगे बढ़े. किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अडॉप्ट करना एक फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल जहां पर मिनिमम 4 फ्लोर्स होगा, फर्स्ट सेकंड 5 एकर्स का एरिया होगा एंड थर्ड नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज को ही आप फैक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो? एंड द आंसर इज, इट इज़ उत्तर प्रदेश. कौन सा वो आपका टॉप स्टेट है इंडिया का जिसने को प्रोवाइड किया गया है, जिसने प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को मनरेगा के अंदर? एंड द आंसर इज, इट इज़ उत्तर प्रदेश. पहले आपका छत्तीसगढ़ था, अब मेरा प्रदेश दैट इज़ उत्तर प्रदेश. अकॉर्डिंग टू अंकटाड्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, द ग्लोबल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर फोकास्टेड टू डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट? कितने परसेंट से आपका जो FDI फ्लो है वो डिक्रीज करेगा? एंड द आंसर इज, इट विल डिक्रीज गाइस बाय मैक्सिमम 40%. सिप्री की ईयर बुक प्रेजेंट हुई है, पब्लिश हुई है. इस ईयर बुक में इंडिया का रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? इंडिया का रैंक यहाँ पर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन डी, इट इज़ एट द 6th पोजिशन, 6वें रैंक पर इंडिया आता है. ओवरऑल 1 पे आपका आता है US, 2nd पे आपका आता है UK और 3rd पे आपका दोस्तों जो आता है सेकेंड पे आता है रशिया, 3rd पे आपका आता है UK. फर्स्ट USA, सेकेंड रशिया, 3rd पे UK, थर्ड पे UK आता है. यस, आगे बढ़ते हैं. विच IIT हैज़ डेवलप्ड एंड AI पावर्ड COVID-19 टेस्ट जिससे कि आप अफोर्डेबल कॉस्ट पे COVID-19 टेस्ट कर सकते हैं? इसका नाम है आपका ऑप्शन डी, इट इज़ IIT हैदराबाद. फिच रेटिंग्स ने हाल ही में रिवाइज किया है आउटलुक इंडिया के लॉन्ग टर्म फॉरन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग का. सवाल है ये रेटिंग अब कितनी हो गई है? इसका आंसर है आपका BBB-. अगेन इससे कम हो जाएगा तो हम जंक स्टेटस पे पहुंच जाएंगे. इनमें से कौन सा स्टेट UT है जिसने कन्फर्म किया है 3 प्रेस्टिजियस दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ग्राम पंचायत्स ऑफ विच स्टेट? और यह इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर का जो UT है, जो आपका फिलहाल UT है, उसके ग्राम पंचायत को दिया गया है 3 अवार्ड दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत. IIM विजयन को हाल ही में दिया जाएगा द 4th सिविलियन अवार्ड. द क्वेश्चन इज, ये किस स्पोर्ट से हैं? इसका आंसर है फुटबॉल से हैं. ही इज़ अ फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन.
मारुति सुजुकी इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इनमें से किस बैंक के साथ, जिसके तहत सिंपल फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग प्लान्स को प्रोवाइड किए जाएंगे? और इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, इट इज करूर वैश्या बैंक। मेरा सवाल आपसे बनेगा, करूर वैश्या बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ करूर वैश्या बैंक गाइस? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज आपका करूर में है। जो करूर कहाँ पर है, करूर आपका किस कंट्री में, किस स्टेट में, तमिलनाडु में है। सो गाइज वी हैव कवर्ड 125 क्वेश्चंस। सेशन कैसा लग रहा है? गिव मी अ स्टार अगर बढ़िया लग रहा है, गिव मी अ डाउन वोट अगर बेकार लग रहा है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है आई गिव यू 10 seconds। कॉपी द लिंक ऑफ द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द लिंक ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। एक बार लिख दीजिएगा जय हिंद फटाफट, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप सबको मज़ा आ जाए। ऑलराइट, चलिए, जय हिंद। यस, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट? इनमें से कौन सी तारीख को हर साल सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को ऑब्जर्व करते हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, हर साल इसको 18th of June को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। इनमें से किसे दिया गया है द वर्ल्ड स्टार्स शारजा ऑनलाइन नेशनल चेस चैंपियनशिप 2020? और ये अवार्ड दिया गया है, दिस अवार्ड हैज़ बीन वन बाय, दिस कॉम्पिटिशन हैज़ बीन वन बाय शक्रियार मामयदरोव। इनमें से किस बुक, इनमें से कौन ऑथर हैं ऑफ द बुक क्लारा एंड द सन? द ऑथर इज ऑप्शन बी, दैट इज काजुओ इशिगुरो, इनको ये ऑथर हैं एंड इनके लिए इन्हें हाल ही में अवार्ड भी दिया गया है। किस सिटी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है एयर वेंटी ऐप, जिससे कि ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स की जो इंफॉर्मेशन है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, उनको प्रोवाइड किया जाएगा? एंड द आंसर इज इट इज़ मुंबई। मुंबई वही शहर है जहां पर हाल ही में आई फ्लोज करके एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम भी लॉन्च किया गया है। किस होम फाइनेंस कंपनी ने लॉन्च किया है सरल, जिसको जिसके तहत स्पेशल अफोर्डेबल हाउस लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे अर्बन और रूरल एरियाज़ में? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए, इट इज़ द ICICI होम फाइनेंस कंपनी, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। इनमें से वो कौन सी, इनमें से दोस्तों वो आपकी कौन सी कौन सा इनमें से वो आपका एक व्यक्ति है जिसको 75th सेशन जो है यूएन जनरल असेंबली का, उसका दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ आपका वोल्कान बोस्किर। ही इज़ द फर्स्ट टर्किश ओरिजिन पर्सन टू बी अवार्डेड सच, ये पहले टर्किश ओरिजिन है जिनको ये सम्मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict is observed globally every year on which date? इनमें से कौन सी तारीख को हर साल संघर्ष के दौरान जो यौन हिंसा के उन्मूलन का दिवस है उसको मनाया जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इट इज़ द 19th of June। गाइस मेरे को फटाफट बताइएगा 19th of June को और क्या मनाया जाता है? 19th of June को भी ऑब्जर्व दी सिकल सेल डिजीज़। कौन सा डिजीज़? द सिकल सेल डिजीज़। सिमिलरली गाइस 21st June को आपका होता है 3 दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और इंटरनेशनल योगा डे, ये 3 दिवस होते हैं। सिमिलरली अगर हम 17 जून की बात करें तो वी ऑब्जर्व दी इंटरनेशनल डे फॉर कॉम्बैटिंग ड्रॉट एंड डिसर्टिफिकेशन, ये आपका 17 जून को होता है। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द कैथोलिक सीरियन बैंक का? एंड दी आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रणय मोंडाल को ये खिताब दोस्तों हाल ही में दिया, ये प्रेजिडेंटशिप उनको हाल ही में दी गई है। CSB बैंक आपका कहाँ पर है? थ्रिसूर केरला में है, एब्सोल्युटली करेक्ट, और उनको ही ये सम्मान हाल ही में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू अ पेरोल डाटा जिसको जारी किया है EPFO ने, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कितना परसेंट इंक्रीज है आपका फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट का 2019-20 में? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ 28.6%, 28.6% आपका जो एक एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज है इन 2019-20 वो देखा गया है। मेरे को फटाफट बताइएगा EPFO का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने की पार्टनरशिप की है ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ, जिसके तहत वो ऑफर करेगा आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन ई नो योर कस्टमर सर्विस, और ये लॉन्च किया जाएगा बाय ऑप्शन ई, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इसके साथ ये अग्रीमेंट किया है आपके विद ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज। कुबत बेक बोरोनोव साहब ये अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर किस देश के, और इसका देश का नाम है आपका किर्गिस्तान।
सवाल मेरा बनेगा किर्गिस्तान का कैपिटल करेंसी क्या है, बिकॉज हाल ही में इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया था। बिल्कुल सही, क्या कैपिटल करेंसी है इसका, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। व्हाट इज़ द कैपिटल करेंसी गाइस? बिश्केक कैपिटल है और SOM सॉम इज़ द करेंसी। इनमें से अ बर्निंग बुक के ऑथर कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ बर्निंग? इसके ऑथर हैं आपके ऑप्शन बी, इट इज़ अ मेघा मजुमदार। ये इसकी दोस्तों आपकी ऑथर हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व कब होता है? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है ऑन दी 21st of June। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2020 विच इज़ ऑब्जर्व ऑन 21st of June, इसका इस साल विषय क्या है? इसका इस साल विषय जो है दैट इज़ हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। ये इसका दोस्तों इस साल आपका विषय दिया गया है। इनमें से वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है जिसको दिया गया है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्लेयर मेंबर ऑफ द ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेन्स पैनल एंड ही इज़ द करेंट नेशनल लेवल टेनिस चैम्पियन? इनका नाम है दोस्तों निकी पुनाका जी। वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व कब होता है? सिंपल सवाल है, 21st of June। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का इस साल UN द्वारा थीम क्या है? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इनमें से किसे दिया अपॉइंट किया गया है JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर? एंड द आंसर इज इट इज़ सौरव गांगुली एंड इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री। चेयरमैन कौन बनाए गए हैं ऑफ द NIPFP दैट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस कंपनी? प्लीज अंडरस्टैंड ही इज़ अ फॉर्मर RBI गवर्नर। द आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज़ श्री उर्जित आर पटेल। इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू स्टार्ट एक टू खेलो एक टू पढ़ो मीनिंग प्ले लिटिल प्ले स्टडी लिटिल स्कीम? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ त्रिपुरा। ये वही स्टेट है जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा युग योजना लॉन्च किया था जिसके तहत दे आर प्रोवाइडिंग 5,000 rupees फॉर फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट द मोस्ट वैल्यूड कंपनी विथ ऑलमोस्ट 11.83 trillion मार्केट कैपिटलाइजेशन? एक ही कंपनी आपकी है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक 5-day वर्चुअल हेल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो आपका ऑर्गेनाइज किया गया, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय फिकी। फिकी ने इसको दोस्तों हाल ही में आपका ऑर्गेनाइज किया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक जॉब गारंटी स्कीम जो कि प्रोवाइड करेगा 100-day का आपका वर्क गारंटी फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स जो कि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं? तो अर्बन एरियाज़ के लिए आपका ये स्कीम है, इसका नाम है आपका झारखंड, और मिनिमम 7 days का होगा, मैक्सिमम आपके 100 days का होगा, और जो फेयर होगा दैट विल बी 40% हायर दैन दी मनरेगा फेयर पर डे। इनमें से किस बैंक ने लॉन्च किया है अफोर्ड प्लान के साथ स्वस्थ कार्ड? इसको लॉन्च किया गया है बाय येस बैंक। UN पब्लिक सर्विस डे आपका ऑब्जर्व कब होता है? ये डे आपका ऑब्जर्व होता है ऑन ऑप्शन डी, दैट इज़ 23rd of June। सो गाइज, वी हैव कवर्ड 150 क्वेश्चंस, 150 सवाल हमने कर लिए हैं। आउट ऑफ 150 अगर आपका स्कोर 135 के ऊपर है देन यू आर द चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। अगर आपका स्कोर 135 से 130 के बीच है देन गाइज यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। अगर आपका स्कोर 120 से 130 के बीच है देन यू आर अ गुड गुड एस्पायरेंट। और अगर आपका स्कोर 120 के नीचे और 110 के ऊपर है आप एवरेज हो, और अगर 110 से कम है आपका देन यू आर बिलो एवरेज। एंड द रीज़न वाई आप बिलो एवरेज हो, द रीज़न वाई इज़ बिकॉज गाइज आप रेगुलर नहीं हो। प्लीज़ गाइज 8 AM सेशन को और 4 PM सेशन को मंडे से देखना स्टार्ट करो। मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, बट प्लीज़ मेरे को एक बार कमिट करिए सब लोग। एंड मैं मुझे पता है मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ, आई एम लिटिल स्टबर्न, बट आई वॉन्ट एवरी वन टू अटेंड। प्लीज़ गिव मी अ कमिटमेंट, आप एक बार गिव मी अ थम्स अप, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू बी रेगुलर। अगर मैं रेगुलर हूँ तो आप भी रेगुलर होइए। प्लीज़ एवरी वन गिव मी अ थम्स अप। फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग 8 AM आप सबको आना है ग्रिडअप के बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे। वो SSC के लिए भी है, रेलवेज के लिए भी है, UPSC के लिए भी है, इट इज़ फॉर एवरी एग्जामिनेशन। ऑलराइट, एंड गाइज आज का हमारा टारगेट था 500 का, मुझे लगता नहीं हम 500 पहुँचे हैं, बट गाइज फटाफट वीडियो को लिंक को शेयर कर दो ताकि आज हम 500 तक आपका पहुँच जाए। ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट? द इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर गाइज ऑन द 23rd of June, 23 जून को दोस्तों हम हर साल इसको ऑब्जर्व आपका करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स नेशनल एसोसिएशन?
PRMIA के न्यू इंडिया ऑफिस के कौन बने हैं आपके CEO? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, इट इज निराकर प्रधान। महारत्ना कंपनी कौन सी है जिसने एंटर किया है पार्टनरशिप विद नीति आयोग फ्लैगशिप इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन के साथ? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल सही आपका आंसर है। इनको इनमें से किसे दिया गया है द 2020 पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक ट्रेड? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, इट इज द लेजेंडरी नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य कुमार सेन। ये भारत के बहुत ही मशहूर आपके इकोनॉमिस्ट हैं। इनमें से किसने लिखी है बुक द लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया? दिस बुक गाइज हैज बीन रिटन बाय आमिश त्रिपाठी। इनकी फेमस बुक्स के नाम है इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, सीक्रेट ऑफ नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, द साइन ऑफ इक्ष्वाकु, कई इनकी फेमस बुक्स के नाम है। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन राजेंद्र गोयल का देहांत हुआ है, ही एक एसोसिएट क्या थे? दोस्तों ये एक फेमस क्रिकेटर थे, ही हैज़ द मैक्सिमम विकेट्स इन द रणजी ट्रॉफी। किस कंट्री ने ज्वाइन किया है मल्टीलैटरल आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को, ATT को किसने ज्वाइन किया है? इसका आंसर है आपका चाइना ने, USA ने इससे अपने आप को दोस्तों यहाँ से रिजाइन करा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के रघुनाथ का देहांत हुआ है, सवाल मेरा आपसे है इनका संबंध इनमें से दोस्तों किससे है? एंड द आंसर इज इनका संबंध दोस्तों जो है दैट इज़ फ्रॉम बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से दोस्तों इनका जो है वो हाल ही में आपका संबंध दिया गया है, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइस। फटाफट आगे बढ़ते हैं। एज पर द मूडीज इन्वेस्टर सर्विस इन इट्स ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020 रिपोर्ट, इसके अनुसार कितना श्रिंक करेगी हमारी इकोनॉमी? Our economy guys will shrink by option D, that is by 3.1%. इतने से हमारी इकॉनमी जो है दोस्तों वो श्रिंक कर जाएगी। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है KBL माइक्रो मित्र, जो कि एक ऑफलाइन प्रोडक्ट है, मतलब कि इस पर्टिकुलर लोन को आप बैंक जाकर ही आप ले सकते हैं? द आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज़ दी कर्नाटका बैंक। मेरा सवाल आपसे बनेगा कर्नाटका बैंक के MD CEO कौन है? उनका नाम है दोस्तों महाबलेश्वरा MSG। Which country has successfully launched the last satellite of its Baidu navigation satellite system? And the answer is it is option C. It is China के साथ ये agreement आपका, China ने इस Baidu navigation satellite system को हाल ही में दोस्तों launch किया है। इनमें से किसे appoint किया गया है as the chairman of the Indian Financial Technology and Allied Services? And the answer is ये chairman बने हैं आपके Mr. T. Ravi Shankar। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना पुअर के लिए? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ राजस्थान। लोग कह रहे हैं ये रिप्लेसमेंट है अन्नपूर्णा स्कीम का, पर 5 रुपीज़ ब्रेकफास्ट 8 रुपीज़ लंच में ये योजना को लॉन्च किया गया है। माउंट मेरापी इज एन एक्टिव वोल्केनो इरप्टेड ट्वाइस इन जून, ये किस देश का है? और ये माउंट मेरापी जो कि है आपका, ये आपका है फ्रॉम द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से आपका ये बिलोंग करता है। सिक्स इंटरनेशनल योगा डे का को कमेमोरेट किया गया, सवाल मेरा आपसे है कि जो ये इस दिन आपका जो वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी है इंडिया के बाहर उसको लॉन्च किया गया है, यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर सेटअप की गई है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये सेटअप किया गया है इन लॉस एंजलिस। ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल है अषाढ़ी बीज, ये फेस्टिवल आपका इनमें से किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? और स्टेट का दोस्तों जो नाम है दैट इज ऑप्शन बी, गुजरात में सेलिब्रेट किया गया। गुजरात में वी हैव कच्छ एरिया जहां पर इसको न्यू ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। एज पर द न्यू परचेजिंग पावर पैरिटीज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक वॉट इज इंडियाज ग्लोबल पोजिशन एज एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पीस? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इट इज़ थर्ड रैंक पर आपका जो है वो इंडिया यहाँ पर आपका आता है। फर्स्ट पे आपका चाइना है, सेकंड पे आपका US है और थर्ड पे इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर दोस्तों जो है वो आती है। तीनों ही यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ द कुशीनगर एयरपोर्ट एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कौन से भारतीय राज्य में आपका कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको दोस्तों सेटअप किया गया है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस इज इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ उत्तर प्रदेश में इसको दोस्तों हाल ही में आपका सेटअप किया गया है और ये गोरखपुर के पास आपका एक एरिया है। गाइस कीप ऑन शेयरिंग, वी हैव टू क्रॉस 300, फटाफट शेयर करते रहो, लाइक्स बढ़ाते रहो, हमें आज 300 तो क्रॉस करना ही करना है। फटाफट कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो। यस आगे बढ़े।
The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved an additional investment of $121.27 by ONGC Videsh Limited in Shwe Oil and Gas Project located in which country? And the answer is it is option D. It is Myanmar mein isko doston aapka launch kiya gaya hai. That is absolutely correct. As per the data released by US Treasury Department, what is India's position as a holder of the US government securities? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 12th रैंक पर आपका इंडिया यहाँ पर दोस्तों जो है वो आता है, 12th पोजिशन पर इंडिया यहाँ पर आता है. जापान इज एट द नंबर वन पोजिशन. What is the theme of the day of the Seafarer 2020 जो 25 जून को ऑब्जर्व किया जाता है? And the theme guys is option D, it is Seafarers are key workers. Which company will acquire US-based AES Corporation's 49% stake in Odisha Power Generation Company? और ये company है आपकी Adani Power Limited. ये acquire करेगी 49% stake in the Odisha Power Generation Corporation. किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है अग्रीमेंट रिलायंस जियो के साथ, जिसके साथ 52 लाख रूरल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन थ्रू जियो टीवी? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, इट इज हरियाणा. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कितना ग्रोथ रेट कम किया है इंडिया का? एंड इट इज़ एट -4.5%. अ बिहेवियर चेंज कैंपेन का नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल. ये कैंपेन को हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों लॉन्च किया है. सवाल है ये किसके साथ इन्होंने लॉन्च किया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. इनमें से इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड एसिड ट्रैफिकिंग का थीम क्या है, जो कि आपका हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 26th ऑफ जून? इसका दोस्तों इस साल आपका थीम क्या है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज इट इज बेटर नॉलेज फॉर बेटर क्योर. वो दोस्तों इस साल आपका थीम यहां पर दिया गया है. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? इनमें से कौन सी तारीख को हर साल आपका इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर को ऑब्जर्व किया जाता है? एंड द आंसर इज इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी, इट इज द 26th ऑफ जून. 26 जून को इसको ऑब्जर्व किया जाता है. विकेट कीपर बैट्समैन रेचल प्रीस्ट ने अनाउंसमेंट की है रिटायरमेंट की. ये इनमें से किस देश से बिलोंग करती हैं? और इनका देश दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ न्यूजीलैंड से. दोस्तों इनका इनकी पैदाइश है न्यूजीलैंड में और यहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट की बात कही है. इनमें से किस स्टेट के पंचायती राज डिपार्टमेंट को मिला है फर्स्ट प्राइज़ ई पंचायत पुरस्कार में? एंड द आंसर इज इट इज़ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. इनमें से कौन सी कंट्री को रिमेन किया गया है इन दी FATF ग्रे लिस्ट में? कौन सा वो देश है जो FATF का जो ग्रे लिस्ट है उसका एक हिस्सा है? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, इट इज पाकिस्तान विल रिमेन इन द FATF ग्रे लिस्ट. अफ्रीकन कंट्री कौन सी है जिसने ग्रांट किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 500 मेगावाट ऑफ सोलर पार्क? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, इट इज माली. वो आपका एक देश है जहाँ पर 500 मेगावाट का जो सोलर पार्क डेवलपमेंट है उसके लिए NTPC के साथ अग्रीमेंट किया है. इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है एक मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, जो कि न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्पेशली टू द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन? एंड द आंसर इज ये स्कीम लॉन्च हुई है आपकी त्रिपुरा के अंदर. ठीक है, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री पुष्टि उपहार स्कीम जो है इसको दोस्तों लॉन्च किया गया है. बिल्कुल सही जवाब है आपका. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. What amount हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम एंड गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट इन स्कूल्स इन 16 स्टेट्स अंडर स्टार्स प्रोग्राम? स्टार्स प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने पैसे प्रोवाइड किए हैं 6 इंडियन स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल्स के गवर्नेंस के लिए? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इट इज़ $500 million. इतना अमाउंट दोस्तों यहाँ पर इसके लिए आपका प्रोवाइड किया गया है. कितना अमाउंट? 500 मिलियन आपके US डॉलर्स इसके लिए प्रोवाइड किए गए. ओवरऑल $3 billion अब तक प्रोवाइड आपके हो चुके हैं. नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो ऑब्जर्व होता है 29 जून को, इसका इस साल थीम क्या है? विच इज़ ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन PC महानबिस. इसका इस साल दोस्तों आपका थीम क्या है? द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे गाइज इज ऑप्शन डी, इट इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बींग एंड जेंडर इक्वालिटी. वो दोस्तों इसका आपका इस साल थीम दिया गया है. इनमें से मिनिमम अमाउंट कितना है जो कि इन्वेस्ट हो सकता है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम में?
एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, इट इज 1000 रुपीज़। इतना मिनिमम अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो सकता है इन द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जिसमें फर्स्ट पैसा मिलेगा जनवरी 1 को, सेकेंड अमाउंट मिलेगा आपका जुलाई 1 को, एंड जून 1 को 7.15% पे मिलेगा जनवरी 1 को, एंड जुलाई 1 को आपका इट विल वैरी। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। Which two Indian institute have secured ranks in the Young University Rankings 2020 released by Times Higher Education? And the answer is it is option C, IIT Ropar or IIT Indore. Guys, we've reached 280 people. हमारा target तो reach नहीं हुआ, but we are left with 20 people for 300. फटाफट वीडियो को शेयर करो ताकि हम 300 क्रॉस कर जाएं। फटाफट शेयर कर दो एंड 400 लाइक्स करो जल्दी से, फटाफट everyone, तुरंत क्विकली 300 क्रॉस करना है हमें, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, PhonePe has partnered with which bank on the unified payment interface multi-bank model to provide its users the option to create and use multiple UPI IDs? PhonePe ne unified payment interface multi-bank model par kis bank ke sath agreement kiya hai jiske sath wo apne upyogkartaon jo hain unke liye kai UPI ID banane aur upyog karne ka vikalp pradan karega? Iska answer jo hai aapke samne, that is option B, it is the ICICI bank. Iske sath ye agreement aapka doston hal hi mein kiya gaya hai. इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अप्रूवल दिया है $500 मिलियन का, जिससे रोड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी जशोर जैंदिया कॉरिडोर में, जो कनेक्ट करेगा आपका ढाका को बांग्लादेश में विद इंडियन भूटान? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट ये आपका किया। गाइज कीप ऑन शेयरिंग, बस दस बचे हैं, फटाफट शेयर करते रहो। नोटेड नॉवलिस्ट गीता नागभूषण हैज़ पास्ड अवे, she used to write in which language? इनकी भाषा जो है वो आपकी है ऑप्शन सी, कन्नड़ा में दोस्तों इनकी लिखाई आपकी होती थी। दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइस। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल लोकस थ्रू ड्रोन्स? ड्रोन्स को लोकस के जरिए, लोकस को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली देश कौन सी बनी है? इसका नाम है इंडिया। इंडिया में एयरबॉर्न लोकस सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो कि MI-17 हेलीकॉप्टर से आपका स्प्रेड किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसके तहत वो प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग अर्बन पुअर ऑफ विच इंडियन स्टेट को? एंड द आंसर इज दे विल प्रोवाइड दिस अर्बन पुअर टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु को ये प्रोवाइड किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट? इनमें से किस तारीख को हर साल आपका ये दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, इट इज़ आपका 30 जून को इसको ऑब्जर्व आपका किया जाता है। IAS विनी महाजन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच इंडियन स्टेट? इनमें से किस राज्य की पहली महिला वुमन सचिव बनी है आपकी विनी महाजन? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इट इज़ पंजाब की ये पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। भारतीय अंपायर कौन है जिन्हें ICC ने अपने एलीट पैनल ऑफ अंपायर चुना है? इनका नाम है नितिन मेनन। माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? और ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ आयरलैंड। OECD का ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्स पर्पसेस के रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड में 3 कंट्रीज कौन सी हैं जिन्हें एक्सचेंज इंफॉर्मेशन में टॉप पे रखा गया है? एंड द आंसर इज इट इज़ इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जिनको प्रोवाइड किया गया है विद द मैक्सिमम एक्सचेंज इन्फो। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एट वन क्लिक इनिशिएटिव फॉर MSMEs एंड अदर बिग इंडस्ट्रीज? ये एट वन क्लिक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में इस इनिशिएटिव को दोस्तों हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है। गाइज जस्ट 10 लोग बचे हैं, फटाफट एक बार शेयर कर दो जल्दी से ताकि 300 क्रॉस कर जाए। एवरी वन कीप ऑन शेयरिंग। येस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअली इनोग्रेटेड द बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस इन विच सिटी ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ चंडीगढ़ में इस सर्विस को दोस्तों हाल ही में आपका स्टार्ट किया गया। दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, इसको चंडीगढ़ में ही आपका रिसेंट में आपका स्टार्ट किया गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ें। हु हैज़ रिसीव्ड द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 20th एडिशन ऑफ द एनुअल बेट अवार्ड 2020 फॉर हर लॉन्ग स्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक वर्क इंक्लूडिंग हर रीसेंट COVID-19 रिलीफ efforts? And the answer of this question guys is it is option B, that is Beyonce. Beyonce ko ye samman. Just guys, we are left with only 3 people. Fatafat share kar de ek aur baar, 300 cross ho jayega. Fatafat jaldi se 300 cross karna hai. Yes, 1 2 3 4 5 6, quickly guys, fatafat jaldi se ek aur baar. And the last question guys, what was the theme of the 36th ASEAN summit held in India
वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर नयान जुआन फूक. वियतनामी प्रधानमंत्री जो हैं गुएन जुआन फूक की अध्यक्षता में इनमें से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित 36वां आसियान शिखर सम्मेलन इनमें से का उसका विषय क्या था. उसका दोस्तों जो विषय था आपका दैट वाज ऑप्शन सी, इट इज़ कोहिसिव एंड रिस्पॉन्सिबल आसियान. इसका जो आपका एक होस्ट कंट्री था उसका नाम था आपका वियतनाम. वियतनाम गाइज वॉज द होस्ट कंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. मेरा सवाल आपसे बनेगा आसियान के कितने मेंबर्स हैं. थैंक यू सो मच गाइज, 300 क्रॉस कर दिया हमने, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. आसियान के आपके जो मेंबर्स हैं वो आपके हैं 10 मेंबर्स हैं आपके, और आसियान आपका जो है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस गाइज, क्या बात है. सो विद दिस गाइज वी विल कम टू एन एंड. बाकी ये शेड्यूल आप देख सकते हैं, ये शेड्यूल आपका 7 जुलाई से एक्टिव रहेगा. वीकली ऐप पे क्या रहेगा और आपका YT पे क्या रहने वाला, इसको आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे. ऑलराइट, ये है आपका शेड्यूल फॉर द बैचेस जो कि IPS RRB का बैच है आपका पहला, तो जो कि हमारा सेकेंड बैच है, और ये हमारा बैच है फॉर SBI एंड IPSPO जो कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही आपका अवेलेबल है. एंड बाकी ये ग्रीन कार्ड को आप यहाँ पर ले सकते हैं. सो गाइज कीप ऑन शेयरिंग. अगर आपका स्कोर 200 में इफ़ इट इज़ अबव 180 देन यू आर अ चैम्पियन ऑफ, इफ़ इट इज़ अबव 185 देन यू आर अ चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. अगर आपका 190 के ऊपर है तो बेटा यू आर इक्विवेलेंट टू गॉड. और अगर आपका 195 तक है तो आप क्या हो, तो आप भाई मेरी तरह हो, आपका नाम क्या पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग एंड आई मीट यू अगेन नाउ टुमारो एट 8 AM. कल सबको 8 बजे सुबह आना है. बाय गाइज, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गो ग्रिड अप गाइज. थैंक यू सो मच. बाय गाइज, थैंक यू सो मच.